हाय गाइस, आई एम स्नेहा फ्रॉम कलांकित। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मेन फोकस होता है कैसे हम आर्ट वर्क और आर्टिस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में आज मैं स्पेशली आपके लिए एक आर्टिस्ट लेके आई हूँ जो कि बहुत ही स्पेशल है, जिनका नाम है अन्वेषा पॉल। वो वेस्ट बंगाल से हैं। बात करूँ क्या स्पेशल है उनकी जर्नी, सबसे ज़्यादा उनकी जर्नी स्पेशल है, कहाँ उन्हें एक इंजीनियर से स्टार्ट करके एक इलस्ट्रेटर तक अपनी जर्नी कंप्लीट की है। सो इस जर्नी को मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करना चाहती हूँ। उनका मेन इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ था जब उन्हें पेंटिंग और डूडलिंग स्टार्ट की थी। उससे उनका इंटरेस्ट इतना बढ़ता चला गया कि वो आज डिजिटली एक प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट है एज अ इलस्ट्रेटर। यही नहीं, वो हर अपने आर्ट वर्क से कुछ ना कुछ स्टोरीज डिपेक्ट करना चाहती हैं। उसके साथ साथ वो हमेशा ये कोशिश करती है कि वो अपनी आर्ट वर्क में इंडियन कल्चर का तड़का लगा दे। कुछ ना कुछ वो ऐसे एलिमेंट्स यूज़ करती है और अपने आर्ट वर्क को और ही ज़्यादा ग्रेसफुली प्रेजेंट करती है। उनका फोकस होता है कि कैसे वो अपने मॉडर्न कल्चर और ट्रेडिशनल कल्चर को कंबाइन करके एक आर्ट वर्क हमारे सामने प्रेजेंट करें। तो आपको, अब आप भी वेट कर रहे होंगे ना उनके आर्ट वर्क्स को देखने के लिए। ज़्यादा इंतजार नहीं करवाती हूँ, चलते हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स की तरफ, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की तरफ जिसमें उनका आर्ट वर्क हमने प्रिंट कर रखा है आपके। आज जो प्रोडक्ट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो हमारे स्लिंग बैग कैटेगरी से। तो चलते हैं हमारे पहले प्रोडक्ट की तरफ। तड़ा, ये है हमारा पहला प्रोडक्ट जिसका नाम है स्लिंग बैग। बात करो इसके आर्ट वर्क की तो कितनी ग्रेसफुली हमारे आर्टिस्ट ने इस आर्ट वर्क को पोर्ट्रे किया है। इसमें वुमेन का स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट कैरेक्टर डिस्प्ले किया जा रहा है, प्लस हमें यहाँ पे मॉडर्न एंड ट्रेडिशन का फ्यूजन देखने को मिल रहा है। और इस पे चार चांद लगा रहे हैं ये कलर कॉम्बिनेशन, कितने हाईली पॉप आउट होकर आ रहे हैं ये कलर, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग बन रहा है। इस आर्ट वर्क का नाम बताओ तो इस आर्ट वर्क का नाम सेल्फ इंडिपेंडेंस। बात करो इसकी यूटिलिटी की तो हम कैजुअल आउटिंग्स के लिए, इवनिंग डेट्स के लिए, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। इट कैन कैरी योर एसेंशियल्स, योर मोबाइल कीज एंड एवरीथिंग, एंड वी हैव एडजस्टेबल स्लिंग्स। इसको एडजस्ट करके हम अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंग इसको स्टाइल कर सकते हैं। किसी भी ड्रेस के साथ आराम से इसे स्टाइल किया जा सकता है। चलते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। सो दिस इज़ द सेकेंड प्रोडक्ट। ये भी राउंड है बट इसे हम बोलते हैं राउंड बॉक्स। क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के लिए यार, वो हमने जो पहला प्रोडक्ट देखा था उसके स्ट्रक्चर में और इसके स्ट्रक्चर में बहुत ही डिफरेंस है। बात करें इसके आर्ट वर्क की तो इसका कलर पैलेट जो है वो इंस्पायर है ऑटम से, इसीलिए आर्टिस्ट ने इसको नाम दिया है मूड ऑफ ऑटम। कितने प्यारे तरीके से दिखाया है कि कैसे एक वुमेन दूसरी वुमेन की कंपनी इंजॉय कर सकती है, आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो तड़का डाला है ना हमारे आर्टिस्ट ने इंडियन कल्चर का, वो है साड़ी। देखिए कितनी प्यारे तरीके से उसने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि हमारा इंडियन कल्चर कैसे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल तरीके से हमने वुमेन्स को अपना टाइम इंजॉय करते हुए देखा है इस पिक्चर में। अब बात करते हैं हम इसके फीचर्स की तो फिर से एक स्मूथ ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है। साइज़ के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसके जो बीच में जो हमारा जिपर है वो इस बैग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एंड जिपर के साथ साथ मतलब वो हमें एक छोटा सा पॉकेट भी यहीं पे पीछे देखने को मिल रहा है। तो छोटे पॉकेट में हम मिनिमल चीज़ें अपनी यूज़ की डाल सकते हैं। इस जिपर में हम कॉइन्स हो गए, कार्ड्स हो गए, उन सब चीज़ों को डाल सकते हैं। बात करूँ इसकी स्टाइल करने की तो हम इसे ट्रेडिशनल के साथ और वेस्टर्न के साथ आराम से स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कलर ही इतना प्यारा है कि ये किसी भी ड्रेस के साथ आराम से जाएगा। इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ एक ही बैग में हमें दो बैग का मज़ा देखने को मिल रहा है। हाँ, हम इसको एज अ स्लिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? बढ़ते हैं हमारे थर्ड प्रोडक्ट की तरफ, एंड दिस इज़ द थर्ड प्रोडक्ट जिसे हम रेक्टेंगल बॉक्स स्लिंग बैग कहते हैं। आर्टिस्ट ने इस आर्ट वर्क को नाम दिया है द मून्स चाइल्ड। कितनी ग्रेसफुली इस आर्ट वर्क को बनाया गया है, जहाँ पे हमें परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स देखने को मिल रहे हैं, प्लस छोटे से इंडियन कल्चर का तड़का भी देखने को मिल रहा है दीज झुमकास। इस आर्ट वर्क को देख के कामनेस, नीटनेस, इन सब चीज़ को हम आराम से डिपिक्ट कर सकते हैं। अब मैं बढ़ते हुए इसके फीचर्स की तरफ तो बहुत ही पावरफुल मैग्नेट फ्लिप हमें देखने को मिल रहा है। अंदर काफ़ी स्पेशियस है, एक पॉकेट हमें देखने को मिल रहा है, प्लस एक जिप देखने को मिल रहा है। इस जिप में हम अपने कॉइन्स, अपने कैश और अपने कार्ड्स को आराम से प्लेस कर सकते हैं। अब बात करो इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो ये तो परफेक्ट है, हम इसे कहीं भी कोई भी ड्रेस के साथ डाल सकते हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो मॉडर्न ड्रेस हो। परफेक्ट फॉर आउटिंग्स, लाइक हम डेट्स पे या फिर हम लंच पे या फिर हम दोस्तों के साथ हैंग आउट्स करने जा रहे हैं तो हम आराम से इसे ले जा सकते हैं। एंड स्लिंग तो रही गई, स्लिंग एडजस्टेबल स्लिंग है, हम इसे आराम से रिसाइज करके अपने अकॉर्डिंग पहन सकते हैं, कुछ इस तरह। जाते जाते मैं आपको और चीज़ बता देती हूँ कि ये तो कुछ आर्ट वर्क थे जो मैंने आपको दिखाए अन्वेषा के। अन्वेषा के और आर्ट वर्क हमारी साइट पे अवेलेबल है, दैट इज़ www.kalanki.com, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें DM कर सकते हो। आपके लिए थोड़ा और ईजी बना देती हूँ, इन सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।